नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज भारतीय टीम ने 2-0 से अपने नाम कर लिए हैं। शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने दोनों टेस्ट मुकाबले यहां पर बड़े अंतर से जीत लिए और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर ली। और साथ ही दोस्तों, टेस्ट चैंपियनशिप के अपने दोनों मुकाबले भारतीय टीम ने जीत लिए हैं और यहां पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। वहीं पर दोस्तों, आपको बताएंगे कि किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की इस जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, बात करें भारतीय टीम की दूसरी पारी में विकेटों की, तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे यहाँ पर इस मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 3-3, ईशान शर्मा को 2 मिले थे और जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिला था दूसरी पारी में और 210 रनों पर ऑल आउट कर दिया था वेस्ट इंडीज़ की टीम को। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सबसे ज़्यादा रन ब्रुक्स ने बनाए थे, जिन्होंने अर्श तक लगाने में कामयाब रहे थे। वहीं पर दोस्तों, बात करें भारतीय टीम ने पहली पारी में 416 बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज 117 पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भारत ने 168 रन पर घोषित की थी अपनी पारी, तो वहीं पर वेस्ट इंडीज 210 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने 257 रनों से मुकाबला जीत लिया। वहीं पर दोस्तों, इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हनुमा विहारी, जिन्होंने शानदार पहली पारी में शतक लगाया था। वहीं पर दूसरी पारी में एक शानदार अर्धशतक लगाया था, इसके चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। हालांकि दोस्तों, इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज का अनाउंस नहीं हुआ है, किसी को भी यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज नहीं चुना गया। इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि ये मुकाबले टेस्ट चैंपियनशिप में के मुकाबले थे, जिसके चलते यहाँ पर इन्हें कोई मैन ऑफ द सीरीज नहीं चुना गया है। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से हनुमा विहारी, अजिंक्य रहाणे, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, इस सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।